अगर साडा ये चैनल तुसी अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता है तो इस नूं तुरंत स्क्रीन दे दिखाए अनुसार सबसक्राइब कर लो अते घंटी दे निशान नूं भी दबा दिओ ताकि जदों भी असी कोई वीडियो अपलोड करिए तां तुहानूं पता लग सके। नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डेयरी। देश विदेश के दर्शकों का इस विच स्वागत करते हैं ते शुरू करते हैं अज दा प्रोग्राम। पहला चोणवीआं खबरां। पंजाब दे मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ट्रांसपोर्ट अते कौमी शाहरा मंत्री तो मंग की फिरोजपुर फाजिलका मुक्तसर ते मानसा नूं 4 अते 6 मार्गी सड़क नाल जोड़िया जाए। पंजाब सरकार ने फसली विभिन्नता उत्साहित करने वास्ते नवा बागबानी जगलात मॉडल तैयार किया। आमदन टैक्स विभाग ने 5.5 लाख लोगों नोटिस भेजे जिन्होंने नोटबंदी तो मगरों बैंकों में जमा की रकम उनकी आमदन नाल मेल नहीं खाती। केंद्र सरकार वालों जीरकपुर नेड़े भारतीय खेड अथॉरिटी का नवा दफ्तर खोलिया। लुधियाने डॉक्टर का अगवा बच्चा बरामद। सुखपाल खेरा का राणा खिलाफ नवा मोर्चा। पंजाब दरख्तों की कटाई ते रोक लगी। हुण खबरां दी विस्थार। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे रहिंदे 4 जिला सदर मुकामां नूं 4 मार्गी जां 6 मार्गी शाहराह नाल जोड़न वास्ते मंजूरी ली। केंद्रीय जमीन ट्रांसपोर्ट अते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी दे दखल की मंग की है। केंद्रीय मंत्री ने लिखी एक चिट्ठी विच मुख मंत्री नूं आख्या है कि सूबे दे सारे 22 जिलों विचों 18 पहलां ही कौमी शाहराह नाल जुड़ चुके ने। उन्होंने दस्सिया कि फिरोजपुर मानसा श्री मुक्तसर साहब अते फाजिलका अजय शहर ने जो हाले भी कौमी शाहराह नाल 2 मार्गी सड़कों नाल जुड़े है। उन्होंने कहा कि हाले तक बरनाला मानसा ते डब वाली मलोट हबोर फाजिलका सड़कों के 4 मार्गी प्रोजैक्टों का काम अधूरा है। इन्होंने प्रोजैक्टों की मंजूरी भारत कौमी शाहराह अथॉरिटी वालों दी जानी है। मुख्यमंत्री ने यह भी बेनती की कि तलवंडी फिरोजपुर अते मुक्तसर साहब मलोट सड़कों की उच्च दर्जाबंदी दे अमल तेज किया जाए। खन्ना मलेरकोटला रायकोट नकोदर सड़क नूं कौमी शाहराह एलानिया जाए। उन्होंने यह भी चिट्ठी विच अपील की है कि बंगा गढ़शंकर आनंदपुर साहब नैना देवी सड़कों नूं कौमी शाहराह बनाया जाए। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट अते कौमी शाहराह विभागों ने शाहराह लई 1,059 करोड़ की सालाना योजना नूं असूलन मंजूरी दी है। पहले पड़ा लई सिर्फ 158 करोड़ रुपए जारी किए गए ने। नेंद्र कुग्यानवी वालों सत श्री अकाल करो प्रवान। नवी दिल्ली तो रिपोर्टा मुताबक इस साल के कैलेंडर के पहले 5 महीनों च यानी जनवरी तो लैके मई तक गुआढ़ी मुल्कों तो भारत आने वाले विदेशियों की गिनती 58% वाधा दर्ज होया है, जिस नाल विदेशी सैलानियों 16% वाधा यकीनी बनाया जा रहा है। सरकारी अंकड़े दसते हैं कि भारत जनवरी तो मई महीने तक 4.2 बिलियन सैलानी विदेशी सैलानी भारत घूमन वास्ते आए। दूजे बन्ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि विदेश उडारी की योजना बनाने वाले बालकों की गिनती के हिसाब नाल भारत दूजे नंबर पर है, जबकि अमरीका ते यूके क्रमवार सब तो पसंदीदा प्रवास स्थान ने। यह खुलासा UN प्रवास एजेंसी की रिपोर्ट तो होया। इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने अपनी रिपोर्ट मजरंग ग्लोबल माइग्रेशन पोटेंशियल 2010-15 च साल 2010-2015 दौरान आलमी पद्धर से लोगों के प्रवास बारे इरादों का अध्ययन दर्ज किया है। इस रिपोर्ट मुताबिक कौमांतरी पद्धर से 1.3% बालग या 6.6 करोड़ लोगों का कहना है कि वह अगले 12 महीनों के अंदर अंदर पक्के तौर पर प्रवास करने की योजना बना रहे हैं। प्रवास का इरादा रखने वालों में सब तो पसंदीदा जगह अमरीका है। इस तो बाद इंग्लैंड, सऊदी अरब, फ्रांस, कनेडा, जर्मनी ते दक्षणी अफ्रीका का नंबर आता है। प्रवास की योजना बनाने वालों में तकरीबन अधे लोग महज 20 मुल्कों में रहते हैं, जिन्हों पहला नंबर नाइजीरिया का है। इस तो बाद भारत, कांगो, सुडान, बंगलादेश ते चीन आता है। भारत के 48 लाख बालग प्रवास की योजना से तैयारी कर रहे हैं। 35 लाख लोग योजना बना रहे हैं ते 13 लाख तैयारी कर चुके हैं। नाइजीरिया 51 लाख लोग प्रवास की तैयारी कर रहे हैं। कांगो च गिनती 41 लाख है, जबकि चीन ते बंगलादेश 27-27 लाख है। IOM के ग्लोबल माइग्रेशन डाटा सेंटर के अंकड़े दसते हैं 2.3 करोड़ लोग प्रवास लई सरगर्मी नाल तैयारी करन च जुटे हुए ने। वाशिंगटन तो एक रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट मुताबक भारत में फेसबुक वरतोकारा की गिनती 24 करोड़ टप गई। सोशल मीडिया जैंट लई दर्शकों की गिनती पक्षों भारत सब तो वड्डा मुल्क है।
रिपोर्ट की मनीए तो 13 जुलाई में भारत में फेसबुक के सरगर्म वरतोकार की गिनती 24.1 करोड़ सी, जबकि अमरीका में यह अंकड़ा 24 करोड़ है। फेसबुक वालों किए ये ऐलान कि विश्व भर च उसके 2 अरब तो वध महीनावार वरतोकार हैं, तो कुछ दिन मगरों दर्जाबंदी सिखरले मुल्कों की पोजिशन तब्दीली आई है। रिपोर्ट मुताबक भारत च महिलावां दे मुकाबले पुरश यानी 3/4 फेसबुक की वरतों करते हैं। अमरीका च सरगर्म वरतोकारां च 54% गिनती महिलावां दी है। भारत च फेसबुक चलाउण वाले लोगों च 50% की उम्र 25 साल तो भी घट है। तो दोस्तों हुण गल करदे आं कलाकार की, कला की कदर। किशोर कुमार दा कार टाउन की कार्रवाई रुकी, खंडवा मध्य प्रदेश तो खबर। महान गायक किशोर कुमार दे स्थित जदी घर नूं ढाउण दे नोटिस उत्ते खंडवा दे जिला कलैक्टर यानी डिप्टी कमिश्नर ने अमल रोक दिता है। खंडवा नगर निगम ने नोटिस जारी करके शहर के बॉम्बे बाजार च एक मंजिला इमारत गौरी कुंज का खंडर बनया हिस्सा ढाउण का हुक्म दिता सी। जिला कलैक्टर अभेश सिंह का कहना है कि इस नोटिस से अमल रोकने लई निगम अधिकारियों नूं आदेश दिते गए। नगर निगम ने भारी मीहां दौरान यह हिस्सा डिगण नाल कोई नुकसान होने तो रोकने लई नोटिस जारी किया। उन्हां कहा है प्रशासन ने निगम नूं खंडर बने नेड़े लोगों की गतिविधि रोकने लई कहा है। निगम ने इस इमारत की कंध ते नोटिस चिपका के मालक नूं खंडर बनया हिस्सा ढाउण लई कहा है। नोटिस विच चेतावनी है कि मालक ने हिस्सा ना ढाया तां निगम ढाएगा। निगम कमिश्नर जे जोशी ने कहा है इस इमारत का पिछला हिस्सा जिहड़ा है खंडर हालत में है, खतरनाक साबित हो सकता है। किशोर कुमार ते उसके अदाकार भरावां अशोक कुमार ते अनूप कुमार ने इस घर में अपने जीवन के मुढ़ले दिन बिताए सन। खंडवा च जन्मे किशोर कुमार अक्सर क्या करते सन वो अपने जन्म स्थान पर परतना चाहते ने, पर उन्हां दी इच्छा कदे नहीं पूरी हुई। इस इमारत के अगले हिस्से कुछ दुकाना है। मुकामी जथेबंदी किशोर संस्कृतिक प्रेरणा मंच के सुनील जैन का कहना है इस घर को कौमी किशोर मेमोरियल ऐलानन लई लंबे समय तो मांग उठ रही है। केंद्रीय खजाना मंत्री अरुण जेतली ने आख्या कि देश को माली तौर पर मजबूत करने 17 किस्म के टैक्स हटा के इको टैक्स सिलसिला GST लिया गया, जिस नाल सब नू फायदा होगा। लुधियाणा की दाणा मंडी में BJP के दफ्तर का नींह पत्थर रखने मगरों एक जनतक जलसे को संबोधन करदिया जेतली ने आख्या कि आम लोगों को एक बार GST समझना मुश्किल लग रहा है, पर यह बहुत आसान टैक्स प्रणाली है। उन्होंने आख्या कि जेडे लोग ईमानदारी GST देंगे उन्होंने कदे भी किसी विभाग तो कोई परेशानी नहीं होएगी। इस समागम में BJP के सूबा प्रधान केंद्रीय राजमंत्री विजय सांपला ने संबोधन किया। भारती फाउंडेशन की समाज सेवी इकाई ने लुधियाणा विच अपने सत्या भारती मुहिम समाप्त की है। फाउंडेशन ने इस मुहिम दौरान लुधियाणा विच 18,000 पैखानों की उसारी करवाई। लुधियाणा जिले विच शहरी इलाकों विच इलावा पिंडों विच भी यह मुहिम चलाई गई है, जिस नाल लुधियाणा जिला खुले विच पैखाने दे रुझान तो पूरी तरह मुक्त हो गया है। फाउंडेशन ने केंद्र सरकार वालों चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन तहत ये पैखाने बनाए। इस मुहिम नाल जिले के 1,000 तो वध पिंडां ते शहरां दीआं बस्तियां विच 86,000 तो वध लोगों नूं बाहर जंगल पाणी जाण दी मजबूरी तो नजात दवाई है। सत्या भारती मुहिम मुकम्मल होण दे ऐलान मगरों समागम विच केंद्रीय खजाना ते रक्षा मंत्री अरुण जेतली ने विशेष तौर पर शिरकत की। पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, पेंडू विकास ते पंचायत मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा भी इस समागम विच शामिल सन। इस तों इलावा पिंडां दे लोकां ते स्थानक आगुआं ने भी इस मौके गलबात की। पंजाब विच फसली विभिन्नता उत्साहित करन अते किसानां नूं बागबानी लई प्रेरित करन लई संगठित बागबानी जगलात मॉडल नूं मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आख्या कि बागबानी दे अडिशनल मुख सकत्तर हिम्मत सिंह नूं इस संबंधी तजवीज़ पेश करन दे हुक्म दिते गए ने। इस संगठित प्रोग्राम नाल जिथे फसली वन संपदा नूं उत्साह मिलेगी उत्थे वातावरण नूं बचाउण विच वड्डा फायदा होएगा। इस नाल प्रदूषण उपर काबू पाउण तो इलावा पानी दे वसीलियां नूं भी बचाया जा सकेगा। हिम्मत सिंह ने दस्सिया कि संतरे दी काश्त नाल घरेलू खपत दी मंग पूरी करन दे नाल नाल किसानां दी आमदन विच वाधा होएगा। उन्हां आख्या कि 160 हैक्टेयर रकबे विच संतरे दी बागबानी तो इलावा 6,000 हैक्टेयर विच खेती जगलात लगाया गया है। किसानां नूं सफेदे अते पापूलर दे 50 लाख पौधे वंडे जाणगे। उधर पंजाब सरकार ने केंद्र की सहायता नाल बागबानी के उच्च दर्जे की पोस्ट ग्रैजुएट संस्था अमृतसर जिले में पिंड धौलकलां विच स्थापित करन दी स्कीम बनाई है, जिस लई 10 एकड़ जमीन अलाट करन दे संभावित प्रवानगी मिल चुकी है। बागबानी की खोज लई 100 एकड़ जमीन की शनाखत पहला ही अटारी विखे की गई है। हुण वाधू जमीन की शनाखत विद्यक संस्थावां नूं विकसित करन वजों वरती जा रही है। भारतीय खेती खोज परिषद वालों
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਫਸਲੀ ਵਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ 5,56,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਮਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਇਹ ਸੱਤਿਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 72 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ UPA ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਨੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਲਾਰਡ ਦਲਜੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਥਹਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਦਲਜੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 857 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੇਤੁੱਕਾ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 114 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਵਰਕਰ, 25 ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 545 ਮਿੰਨੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 153 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 391 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮਚੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਝਵਾਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਵੀ ਦਿਓੜਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
लुधियाना शहर के एक इलाके विच डॉक्टर के 2 साल बच्चे नूं अगवा करन वाले नौजवान नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर के क्लीनिक विच काम करन वाले कंपाउंडर ने कुछ पैसों लई बच्चे नूं अगवा किया। किडनैप बच्चा पुलिस ने सतलुज दरिया के कंढे तो बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर नूं पहला ही कंपाउंडर से शक सी, जदों गल की जांच की तो फड़िया गया। पुलिस ने फोन कॉल जरिए उसनूं ट्रेस किया तो उस तों बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि यह सब इसने पैसे लिए किया सी। मुलजम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल खेरा ने कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ते कथित दोष लाए कि राणा अपनी सरकारी कुर्सी की दुरवरतों करदिया उन्होंने अपनी कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सिविल अपील नूं वापस बनाने लिए दबाव बना रहा है। उन्होंने आख्या कि एक शरेआम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट के तत् लुकाउण का मामला है। खेरा ने इल्जाम लाया कि राणा गुरजीत सिंह अपने असर रसूख की दुरवरतों करदिया सुप्रीम कोर्ट में उसकी कंपनी राणा शुगर लिमिटेड खिलाफ पेंडिंग एक सिविल अपील नूं वापस लैण लई पंजाब राज बिजली बोर्ड नूं डरा धमका ते दबाव बना रहा है। खेरा का दोष है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट ला इसलिए नहीं लैके आउंदे क्योंकि सब तो पहला उसे कानून में राणा गुरजीत ने फसना है। खेरा ने आख्या कि आम आदमी पार्टी कथित तौर पर मांग करती है कि कैप्टन सरकार राणा नूं मंत्री अहुदे तो जल्द हटाए। इस तो पहला भी खेरा राणा ते कथित रेत माफिया चलाउण दे इल्जाम लाउंदे ने ते राणा ने हमेशा इन्हां इल्जामां तों इनकार कीता। इस मामले ते राणा ने अज कोई बयान नहीं दिता। अमृतसर साहब तो खबर, हेमकुंड साहब की यात्रा दौरान लापता हुए यात्रियों बारे हाले तक कोई उग सुग नहीं मिली। गुरद्वारा गोबिंद घाट तो लगभग 4 किलोमीटर थले नदी चो वाहन के कुछ टोटे मिले हैं। डिप्टी कमिश्नर ने दस्सिया है कि जिला प्रशासन के नाल नाल मुख्यमंत्री पंजाब के प्रमुख सकत्तर तेजवीर सिंह भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नाल इस मुद्दे पर राबता कायम कर रहे हैं। जी दोस्तों, चंडीगढ़ तो एक रिपोर्ट अनुसार पंजाब के खुदकशी पीड़ित किसान ते मजदूर परिवारों बारे विधानसभा की पहली मीटिंग च कामकाजी रणनीति बनाई गई है। कमेटी ने मुख सकत्तर नूं पत्र लिख के खुदकशियों बारे हुण तक तैयार रिपोर्टां ते अंकड़ियां की जानकारी मंगी है। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह उर्फ सुख सरकारिया की अगवाई वाली 5 मैंबरी कमेटी पीड़ित परिवारों नूं मिलेगी। खेत मजदूर के परिवारों की वित्तीय हालत सुधारन बारे सिफारशां करेगी। खुदकशियां संबंधी सदन की यह पहली कमेटी की मीटिंग है और मीटिंग विच सुख सरकारिया तो इलावा श्रोमणी अकाली दल वल्लों हरिंदरपाल सिंह चंदू माजरा, आम आदमी पार्टी के MLA नाजर सिंह मानशाइया, कांग्रेस के कुलजीत नागरा ते नथू राम शामिल होए। पंजाब डायरी विच अज दे प्रोग्राम लई बस इन्ना ही। मिलते हैं कल। सत श्री अकाल।